जितना मैं हार्ड बॉल को समझता हूँ, जितना मैं देखते रहता हूँ, मेरे ख्याल में दो नहीं, हम तीन टीमें भी बना सकते हैं। इंटरनल लीग्स जितनी हो रही उनको उठा के देख लिए, क्लब क्रिकेट को उठा के देख लिए इंडिया की। इंडिया में यंग टैलेंट बहुत मौजूद है और प्रोफेशनल टैलेंट है वो। आईपीएल में नो डाउट पैसा बड़ा इन्वेस्ट होता है, बड़ी इनकम जनरेट होती है, जो कि न सिर्फ आईपीएल को सपोर्ट करती है बल्कि वो आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी सपोर्ट करती है। परफॉर्मेंस के लिहाज से तो आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अलावा थोड़ा सा मधम दिखाई देता है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़हूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी दिनों बाद हमारे हाथ लगे हैं। बात करेंगे आज इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मैच के हवाले से। साथ में इंडिया की मैनेजमेंट ये दावा कर रही है कि दो टीमें प्रोड्यूस कर ली है इंडिया ने, एक तरफ T20 खेल रही है इंडिया की टीम, दूसरी तरफ जो है ना टेस्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड के साथ। क्या कहेंगे दोनों टीमों पर आप, और जो आयरलैंड को बीट किया है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में, इस पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच जीशान भाई। सबसे पहले तो मैं यही कमेंट करूंगा कि यार इंडिया की क्रिकेट के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन इंडिया की क्रिकेट बड़ी सॉलिड है। मैं एज अ क्रिकेटर इंडिया की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि प्रॉपर क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है। चाहे आप विराट कोहली को देखें, चाहे आप हार्दिक पांड्या को देखें, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके जो न्यू जनरेशन में से प्लेयर निकल के आते हैं सर, वो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं। खेलने का, देखने का उनको मज़ा आता है, प्रोफेशनल वे में खेलते हैं, प्रॉपर शॉट लगाते हैं। एक नज़र आता है कि वाकई में अगर बॉलर है तो वो प्रॉपर बॉल है, उसके पास वैरायटीज़ है, इंग स्विंग की भी, आउट स्विंग की भी। और इसी तरीके से अगर बैट्समैन है तो वो मिडल ऑर्डर पे आके खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो ओपनिंग में आके भी परफॉर्म कर रहा है। तो यकीनन ये इंडियन बोर्ड का क्रेडिट है कि जो उनको देना चाहिए। बिल्कुल जीशान भाई, पाकिस्तान भी अपनी दो टीमें बना सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें नए लोगों पे, अक्सर आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमने देखा है कि नए लड़के आते हैं, एक दो मैचेस खेल के वो फिर गायब हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। पीएसएल से हमने बहुत सारे यंग टैलेंट देखा, बहुत सारा टैलेंट हमारे पास आया। और इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर टैलेंट की बात कीजिए, अंडर 19 का भी बहुत सारा टैलेंट निकल के सामने आया, लेकिन उसको गायब कर दिया जाता है या वो बैक ऑफ द कैमरा चले जाते हैं, उनको दोबारा मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, जितना मैं हार्ड बॉल को समझता हूँ, जितना मैं देखते रहता हूँ, मेरे ख्याल में दो नहीं, हम तीन टीमें भी बना सकते हैं। टेस्ट फॉर्मेट की अलग, वन डे की अलग, T20 की अलग हम बना सकते हैं। और हमारे पास फिर कोचेज़ भी मौजूद हैं, हमारे पास लेजेंडरी बल्लेबाज मौजूद हैं, हमारे पास लेजेंडरी बॉलर वसीम अकरम मौजूद है, वकार यूनस मौजूद है। बैट्समैन में हमारे पास बड़ी वैरायटी किस्म की बैट्समैन लिस्ट मौजूद है लेजेंडरी की, जो कि इनको सुपरवाइज भी कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है अपनी दोनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें बनाने का। T20 वर्ल्ड कप पे आते हैं, पिछली बार तो पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हरा दिया था इंडिया को, इस बार क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, किसको सूट करेगी और इंडिया किस टीम के साथ मैदान में उतरेगा? क्या जो हार्दिक पांड्या कैप्टन है, सारे यंग प्लेयर हैं, ऋषभ पंत है इसमें, केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, T20 स्क्वाड में अभी नहीं है, तो किस टीम के साथ वो T20 वर्ल्ड कप में उतरेंगे? क्या ये वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए प्लेयर को आजमा रहे हैं? बिल्कुल, उनको नए प्लेयर को आजमाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो कम्बिनेशन की अगर हम बात करें पिछले वर्ल्ड कप की, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप था कि रोहित है, उसके अलावा कोहली खेल रहा है, तो कोहली एक ब्रांड के तौर पे अपने आप को मनवा चुके थे, सामने आ चुके थे, लेकिन चूंकि अब उनके बल्ले भी रन नहीं उगल रहे, खामोश हो चुके हैं। और पाकिस्तान के पास बड़ा टैलेंट इस वक्त पड़ा हुआ है। सो इस दफ़ा पाकिस्तान की कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया अगर कमबैक करना चाहेगा तो इंडिया को बड़ी तगड़ी साइड उतारनी पड़ेगी, यंग क्रिकेटर पर काम करना पड़ेगा, अच्छे तगड़े बॉलर लगाने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान के जो पहली लाइन के बैट्समैन हैं, 2 से 3 विकेटें निकालनी होंगी, जब जाके वो एक पाकिस्तान की टीम को रोकने में कामयाब होंगे, अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करती। अदरवाइज़ अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग पे जाता है तो इंडिया को चाहिए होगा कि मैक्सिमम टारगेट सेट करे और हार्ड हिटिंग की तरफ जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त टफ टाइम देने की कंडीशन में है। पहले तो थोड़ा सा इंडिया की सूरत हाल बड़ी डिफरेंट थी, इंडिया टीम की सूरत हाल बड़ी डिफरेंट थी, साइकोलॉजिकल तौर पर वो पाकिस्तानी टीम पर हावी थे, क्योंकि बड़े बड़े नाम मौजूद थे। अब थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो कम हो चुका है, तो इंडिया को वेल प्लान होना पड़ेगा इस इवेंट के लिए। नहीं, यंग टीम का उनको ज़्यादा सोचना चाहिए, यंग टीम, क्योंकि इंडिया में यंग टैलेंट मौजूद है। चाहे वो आप आईपीएल को उठा के देख लें, चाहे उनकी इंटरनल लीग्स जितनी हो रही उनको उठा के देख लें, क्लब क्रिकेट को उठा के देख लें इंडिया की। इंडिया में यंग टैलेंट बहुत मौजूद है और प्रोफेशनल टैलेंट है वो, क्योंकि एक प्रॉपर वे से वो लोग इंडिया की टीम में आकर खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो यंग टैलेंट पे ज़्यादा मेरे ख्याल में फोकस करना चाहिए, और मौजूद भी है, और अगर यंग टैलेंट को मौका देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी उनके लिए, इंडिया क्रिकेट बोर्ड के लिए। आईपीएल के ड्यूरेशन जय शाह कह रहे हैं कि अब 2.5 महीने की होगी, जिसमें इंटरनेशनल कोई भी मैचेस नहीं होंगे, तो पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते हैं, और इस दौरान जब इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं होगी
तो पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए? रमीज राजा ने कहा अगर ऐसे होता है तो हम आईसीसी के मीटिंग में आवाज़ उठाएंगे, तो उस पाकिस्तान की आवाज़ उठाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, पाकिस्तान की आवाज़ उठाने से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बड़ा माइनर सा फ़र्क पड़ेगा, मेजर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो 80% जो फंड है वो इंडिया कर रहा होता है ना, और आईपीएल में नो डाउट पैसा बड़ा इन्वेस्ट होता है, बड़ी इनकम जनरेट होती है, जो कि न सिर्फ आईपीएल को सपोर्ट करती है बल्कि वो आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर वो चाहें तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, 2.5 महीने बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी, और पाकिस्तानी प्लेयर चूँकि आईपीएल में एक्टिव नहीं होते, आईपीएल में उनको पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती, तो आई थिंक कि उनको कोई लोकल लीग करानी होगी या लोकल एकेडमिक सतह पर खेलना होगा या पाकिस्तान में अंदर ही खेलना होगा, तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है कि उस आवाज़ का कोई रिजल्ट भी निकले। टैलेंट फिर भी पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो है ना 10 साल से पाकिस्तान में कोई टीम नहीं आ रही थी और इसके बावजूद हमारे प्लेयर टॉप रैंकिंग में शामिल है, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी टॉप रैंक में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर जा रही है। नहीं, परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अलावा थोड़ा सा मध्यम दिखाई देता है। अगर उसमें पाकिस्तानी टैलेंट भी मौजूद हो, शाहीन शाह हमारे पास, अम्माद है हमारे पास, बहुत सारे नाम है, अगर नाम लेना शुरू कर दे, ये ऐसा टैलेंट है जिसको दुनिया देखना चाहिए, देखना चाहती है, पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया इनको देखना चाहती है, इंजॉय करना चाहती है इनके स्पेल्स को, इनकी बैटिंग को, इनके कोऑर्डिनेशन को, इनका जो मोटिवेशन लेवल है उसको देखते हुए इंजॉय करना चाहती है। लेकिन थोड़ी सी क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जो कि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया की तरफ से चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से, क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स से बाहर करना चाहिए इसको, लेकिन इन्वॉल्व है। सो ये हमारे लिए एक थोड़ी सी ख़तरनाक सिचुएशन है कि आईपीएल में हमारे प्लेयर यानी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेले। अगर खेलें तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा और दोनों मुल्कों के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी व्यूवर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जो आईपीएल के व्यूवर हैं या पीएसएल के व्यूवर या पाकिस्तानी टीम के चाहने वाले या इंडिया टीम के चाहने वाले हैं, सो वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे और आईपीएल में मज़ीद मज़ा आएगा अगर पाकिस्तानी प्लेयर वहाँ परफॉर्म करते हैं तो।